सो अब हम बात करेंगे कॉलम ऑपरेशन इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय यूजिंग कॉलम ऑपरेशन इन केस ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। अभी अगर मैट्रिक्स हमें 3x3 के फॉर्म में गिवन है तो एग्जांपल नंबर 24 एनसीईआरटी का हम देख के चलते हैं। सेम एग्जांपल हमने रो मैट्रिक्स से भी किया था, एलिमेंट्री ऑपरेशन बाय यूजिंग रो से भी किया था, सेम मैं कॉलम से भी कर रहा हूं, आंसर भी मेरा क्रॉस चेक हो जाएगा इस केस में। तो ए इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स इज गिवन 0 1 2 1 2 3 3 1 1। सबसे पहला स्टेप सेम, ए इज इक्वल टू ए आई, ये मैंने पुट किया, आई मैंने पुट किया। अब क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले वन फॉर्म करेंगे यहां पे, पैटर्न अगेन द सेम पैटर्न मैं आपको बता देता हूं। पहले वन यूज करेंगे, फिर राइट पे जीरो, फिर राइट पे जीरो, फिर वन, फिर यहां जीरो और यहां जीरो, फिर उसके नीचे वन, फिर उसके लेफ्ट पे जीरो, फिर उसके लेफ्ट पे एक और जीरो। दिस विल बी द पैटर्न जो कि हम यूज करेंगे इन केस ऑफ कॉलम ऑपरेशन। तो सबसे पहला स्टेप मुझे यहां पे वन बनाना है, तो अब मुझे यहां वन बनाने के लिए अगेन जैसे मैंने रो ऑपरेशन में किया था, मेरे पास दो ऑप्शंस हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में दो ही ऑप्शंस हो, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, और वो दो ऑप्शंस क्या हैं, या तो मैं C1 को C2 के साथ ऐड कर सकता हूं, या फिर मैं C1 को C2 के साथ रिप्लेस कर सकता हूं। तो मेरे लिए ये ज्यादा बेटर रहेगा कि अगर मैं C1 को C2 से रिप्लेस कर देता हूं, उससे क्या होगा, एक साथ दो प्रॉपर्टीज हमारी मैनेज हो जाएंगी। तो मैं यहां पे C1 रिप्लेस विद C2 ये मेंशन करता हूं, तो इट विल बी 1 2 1 0 1 3 2 3 1 इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई 0 1 0 1 0 0 0 0 1। जो भी प्रॉपर्टी हम लेफ्ट साइड पे लगाते हैं वो सेम प्रॉपर्टी हमें राइट पे भी लगानी पड़ेगी। तो मैंने ये प्रॉपर्टी जो लेफ्ट पे लगाई है, सेम प्रॉपर्टी मैंने राइट साइड पे भी लगाई है। अब ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद फर्स्ट प्लेस तो मेरा जीरो बन चुका। अगर मैं सेकंड स्टेप पे देखूंगा, यहां जीरो बनाना है, यहां ऑलरेडी जीरो बन चुका है। तो ये जो मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई की है, इस प्रॉपर्टी की हेल्प से दो चीजें एक साथ हो गई है। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप बनाना है, यहां पे इस प्लेस पे मुझे जीरो फॉर्म करना है। इस प्लेस पे जीरो फॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉलम 3 टेंड्स टू कॉलम 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 1। अगर कॉलम 3 में मैं माइनस कर दूं 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 1, तो जो चेंजेस आएंगे वो सिर्फ कॉलम 3 में आएंगे। तो मैं कॉलम 1 को और कॉलम 2 को एग्जैक्टली ऐसे ही लिख देता हूं बिना किसी चेंज के, तो ये हो जाएगा 0 1 0 1 0 0। अभी कॉलम 3 की वैल्यूज को मुझे फिल करना है, इसके लिए मैं राइट साइड पर रफ वर्क यूज करूंगा। रफ वर्क में मैं लिखूंगा कॉलम 3 की वैल्यूज 2 3 1 0 0 1। अब इसमें मैं माइनस कर रहा हूं 2 टाइम्स किसका, 2 टाइम्स कॉलम 1 का। तो कॉलम 1 की वैल्यूज है 1 2 1 एंड 0 1 0। अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें, दिस इज 0, दिस इज -1, this is -1, this is 0, this is -2 and this is 1. तो मेरी वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं 0 -1 -1, नेक्स्ट वैल्यू इज 0 -2 एंड 1। सो ये दो प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई की हैं अभी तक। इन दो प्रॉपर्टी को अप्लाई करने से मेरे 3 केसेस ऑलरेडी बन चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट मुझे बीच वाले प्लेस पे जीरो फॉर्म करना है, और यहाँ ऑलरेडी जीरो है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यहाँ जीरो है, सॉरी 1, बीच में हमारा 1 है, दिस इज द नेक्स्ट स्टेप ना, यहाँ पे 1 बनाना है, तो यहाँ ऑलरेडी 1 है। तो अब मुझे इससे नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, मुझे यहाँ पे 0 बनाना है और मुझे यहाँ पे 0 बनाना है। तो पहले मैं इस 2 के प्लेस पे 0 फॉर्म करता हूँ। 2 के प्लेस पे 0 फॉर्म करने के लिए आई हैव टू यूज दिस प्रॉपर्टी C1 टेंड्स टू C1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ C2। तो अभी जो चेंजेस आएंगे वो C1 में आएंगे, तो मैं C1 को छोड़ के बाकी सब चीजें मेंशन कर देता हूं। दिस इज 0 1 3 0 -1 -1 1 0 0 0 -2 एंड 1। अब मैं प्रॉपर्टी जब अप्लाई करूंगा, C1 की वैल्यूज है 1 2 1 0 1 0, मैं इसमें से माइनस कर रहा हूं 2 टाइम्स। अब 2 टाइम्स देखें तो किसका, 2 टाइम्स कॉलम 2 का। कॉलम 2 की वैल्यूज है 0 1 3 1 0 0। तो 1 माइनस 2 इंटू 0, दैट इज 1, दिस इज 0, दिस इज 1 माइनस 6, दैट इज -5, दिस इज -2, दिस इज 1 एंड दिस इज 0। तो मेरे रिजल्ट्स आ गए 1 0 -5 एंड दिस इज -2 1 एंड 0। सो अभी मेरी टोटल 4 वैल्यूज 1 0 0 1 एंड 0 ये मेरी ऑलरेडी बन चुकी हैं।
सो अभी जब हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे नेक्स्ट प्लेस पे माइनस वन की जगह जीरो फॉर्म करने के लिए आई हैव टू ऐड सी थ्री एंड सी टू, सी थ्री प्लस सी टू टेंस टू सी थ्री, अगर ये हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो दिस विल बी आवर स्टेप। देखिए फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट सेकंड कॉलम दोनों सेम है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। कॉलम थ्री में चेंजेस हुआ, जीरो प्लस जीरो जीरो, माइनस वन प्लस वन जीरो, माइनस वन प्लस थ्री दैट इज टू। अगर यहाँ देखें जीरो प्लस वन दैट इज वन, माइनस टू प्लस जीरो दैट इज माइनस टू, एंड वन प्लस जीरो दैट इज वन। अभी हमारा काफी कुछ आ चुका है, अब मुझे सिर्फ लास्ट कॉलम के लिए बात करनी है। अब मुझे यहाँ पे वन फॉर्म करना है, तो कॉलम थ्री में अगर मैं वन बाय टू से मल्टीप्लाई करता हूँ तो रिजल्ट हमारा ये आता है वन जीरो माइनस फाइव जीरो वन थ्री जीरो जीरो वन इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई माइनस टू वन जीरो जीरो, दिस इज वन बाय टू माइनस वन एंड वन बाय टू। सो अभी हमारा एक स्टेप और भी आ चुका है, नेक्स्ट अब मुझे जो बनाना है वो जीरो फॉर्म करना है, और वो जीरो किस जगह पे फॉर्म करना है, इस प्लेस में मुझे जीरो फॉर्म करना है। अगर मैं इस पैटर्न को चेक करता हूँ तो सी टू टेंस टू सी टू माइनस थ्री टाइम्स ऑफ सी थ्री, अगर हम ये प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई करते हैं तो चेंजेस विल अकर ओनली इन प्लेस ऑफ सी टू, सी वन सी टू पे सी थ्री पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे, सो दैट विल बी वन जीरो माइनस फाइव, दिस इज जीरो वन जीरो, this is 0, 0, 1, and that will be minus 2, 1, 0, this is minus 1 by 2, this is 3, and this is minus 3 by 2, and that is 1 by 2, minus 1, and 1 by 2. अभी हमारा ये भी बन चुका है, अब हमारे पास सिर्फ एक लास्ट स्पेस रह गया है, जो कि minus 5 है, minus 5 को, अब मुझे अगर इस स्पेस पे 0 फॉर्म करना है, तो उसके लिए मुझे प्रॉपर्टी अप्लाई करना पड़ेगा, C1 tends to C1 plus 5 times of C3, सी थ्री का फाइव टाइम्स अगर मैं इसमें ऐड करूंगा तो दैट विल बी वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, दैट इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई दिस इज वन बाय टू दिस इज माइनस फोर दिस इज फाइव बाय टू एंड दिस इज माइनस वन बाय टू दिस इज थ्री एंड दिस इज माइनस थ्री बाय टू दिस इज वन बाय टू दिस इज माइनस वन एंड दिस इज वन बाय टू। नाउ एज वी नो दैट आई इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स, हेंस इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स is 1 by 2, minus 1 by 2, 1 by 2, minus 4, 3, minus 1, this is 5 by 2, minus 3 by 2, and 1 by 2. This is the way how you can find out inverse of the matrix if the order of the matrix is 3 into 3.